गलत है। इस वक्त जहां उत्तर भारत खासकर कश्मीर अलगाववाद की आग में झुलस रहा है और सेना की कटौती के बारे में विचार उमर सरकार कर रही है, आइए इसी बात को लेकर के शिवसेना उत्तर भारत के संपर्क प्रमुख श्री संदीप कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं। जानते हैं कि सेना के विशेष अधिकारों की कटौती के विषय में शिवसेना का क्या रुख है। संदीप जी, जो आजकल कश्मीर जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा जो मांग उठाई गई है सशस्त्र सेना विशेष कानून में कटौती की जो मांग चल रही है, उस मांग का शिवसेना पूरी ताकत के साथ विरोध करती है और इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि जो लोग जो कश्मीरी कश्मीर को अपने बाप की बपोती मानते हैं वो अपनी गलतफहमी को दूर करें। कश्मीर के लिए जितना सहयोग और जितनी शहादत हिंदुस्तान के जवानों ने सैनिकों ने दी है और उसके लिए जितना सहयोग आम हिंदुस्तानी ने अपने जेब के खर्चे को काट करके जो कर हिंदुस्तान की सरकार में जमा किया है, उस कर के रूप में जो आर्थिक सहयोग जम्मू कश्मीर का हो रहा है वो सबसे ज़्यादा अन्य किसी भी प्रांत से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो अलगाववादियों द्वारा जो देशद्रोही लोगों द्वारा जो पाकिस्तान के समर्थक लोग हैं उन्होंने जो पिछले 2 महीने से कश्मीर में खास करके कश्मीर घाटी में जो आंदोलन चला रखा है, जिस तरह से वो सशस्त्र सेनाओं पर पुलिस पर हमले कर रहे हैं उसको निर्ममता के साथ कुचलना चाहिए। और हम शिवसेना की ये मांग है कि सशस्त्र सेना अधिनियम जो है उसमें कटौती के बजाय सशस्त्र सेनाओं को और अधिक अधिकार देने चाहिए और इस घाटी को सेना के हवाले कर देना चाहिए। इस समस्या का समाधान केवल एकमात्र इसी उपाय से हो सकता है, ऐसा शिवसेना का मानना है। और शिवसेना किसी भी सेना के अधिकारों में कटौती का विरोध करेगी, सड़क पे करेगी, संसद में करेगी, सब जगह करेगी। संदीप जी, खास करके JKLF और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में ईद के मौके पर जो पाकिस्तानी झंडा घंटाघर चौक पे फहरा है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इससे बात स्पष्ट हो जाती है, जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता ये लोग कहते हैं कि इस्लाम अलग है और ये जो आतंकवादी गतिविधियां अलग है, इस्लाम अलग है और ये देशद्रोही गतिविधियां अलग है, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि ये मस्जिदें इनके जो त्यौहार है चाहे ईद का हो चाहे कोई त्यौहार हो, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन सारी चीजों का उपयोग इस हिंदुस्तान से हिंदुस्तानियों को हिंदुओं को मिटाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग हो रहा है। इस्लाम अगर वो धर्म है, अगर धर्म मानते हैं, अगर ईद के त्यौहार के अवसर पर उनको ये गलत देशद्रोही कार्य नहीं करना चाहिए था, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस्लाम हिंदुस्तान विरोधी है और मस्जिदों का प्रयोग हिंदुस्तान के विरोध में हो रहा है। शिवसेना ऐसे गुट और ऐसे गुट के नेताओं के लिए क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? अगर हमारा बस चले तो इनको बुरी तरह से कुचल दिया जाएगा, इनका नामो निशान इस हिंदुस्तान की धरती से मिटा दिया जाएगा, नहीं तो फिर उनको जो है पार्सल करके पाकिस्तान भेजा जाएगा। कश्मीर पंडितों के बारे में आपका क्या कहना है? कश्मीरी पंडितों का तो दुर्भाग्य इस देश के हिंदुओं का और खास करके कश्मीरी पंडितों का, और इसके लिए मैं अपनी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। चाहे जो भी सरकार केंद्र में आई है उनका ढुलमुल रवैया, उनकी हिंदू विरोधी नीतियाँ इसके लिए जिम्मेदार है। अगर सरदार पटेल की तरह कोई गृह मंत्री इस देश में आ जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि दूसरे सरदार पटेल इस देश में जन्म नहीं ले पा रहे। उमर फारूक पे तो सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार को पूछना चाहता हूँ कि क्या यासीन मलिक उनका दामाद है? झेड प्लस सिक्योरिटी में आज वो घूम रहा है, दिल्ली भी आ रहा है, और जिस तरह से देशद्रोह का काम उसने उमर फारूक के साथ जब वो भी मौजूद था तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा तत्काल प्रभाव से दर्ज करना चाहिए। शिवसेना ये मांग करती है और इसके लिए शिवसेना आंदोलन भी करेगी जब तक उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है सरकार की इस घटना से कि सरकार जो है यासीन मलिक के प्रति उनके लिए कहीं ना कहीं सद्भाव है, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, इस बात से बात स्पष्ट हो जाती है। देखना है कि आने वाले समय में शिवसेना अपना क्या रुख अख्तियार करती है।